हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 एग्जामिनेशन डेली टाइम टेबल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज 16वां दिन टाइम टेबल का है और इस 16वें दिन के टाइम टेबल को हम आज अपने टेलीग्राम चैनल पर और कम्युनिटी पोस्ट पर डाल देंगे। आज की जो वीडियो है कुछ खास वीडियो है और वो वीडियो है आपके डेली टाइम टेबल के 15 दिन पूरे हो चुके हैं और उस 15 दिन में आपने क्या पढ़ा, क्या छूटा, इसका एक एनालिसिस वीडियो है। आपको आज हम ये बताएंगे कि आप अगर हमारे डेली टाइम टेबल को 15 दिन तक फॉलो करते तो आप कितना कुछ कोर्स कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते, जो हमारे व्यूवर्स ढेर सारे काफ़ी ज़्यादा इतनी इन चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ कंपटीशन बहुत तेज़ होगा जितने लोग यहाँ पर हमारे टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा आएगा तो वो कंपटीशन में फाइट करने के लिए ज़्यादा एलिजिबल होंगे, है ना। आज हम आपको ये बताएंगे कि आपने इंग्लिश में, अगर हमारे टाइम टेबल को आपने फॉलो किया तो आप इंग्लिश में कितना कुछ आपने कवर कर लिया, अगर आपने मेरे टाइम टेबल को फॉलो किया। अगर आप नए हैं हमारी वीडियो पे, आप अगर ये फॉलो करते तो कितना कुछ कंप्लीट कर ले जाते, है ना। आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि हम अगर 15 दिन पढ़ें इतना तो इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप डे वन से स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम पहले बात करेंगे कि आपने इंग्लिश में कितना कुछ कवर कर लिया, फिर हम बात करेंगे जीएस में तो एकदम तहलका मचा दिया आपने और रीजनिंग में तो एकदम फाड़ के रख दिया। देखिए कैसे, देखिए इंग्लिश में आपने 300 वोकैबुलरी याद की, 300 वोकैबुलरी 15 दिन में आपने याद की है, है ना। आने वाले 15 दिन में 600 और आने वाले 15 दिन में कितने हो जाएंगे, लगभग 900 और हम 1200 तक ले जाएंगे उस 15 दिन में, ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा, अपने आप वोकैबुलरी खूब तेजी से इंप्रूव होगी। मैं इसमें रिवीजन भी करवाता हूँ, सारी चीज़ें करवाता हूँ। आपने 300 वोकैब्स याद किए हैं जिसमें से 150 साइनो और 150 एंटो हमने याद कराया है इन 15 दिनों में, है ना। 300 मीनिंग याद की है, वर्ड मीनिंग आपने वोकैब्स की। 100 इडियम्स याद किए हैं आपने। अगर हम बात करें कि आपने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया, नाउन की प्रैक्टिस कर ली, एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडजेक्टिव की प्रैक्टिस कर ली, एडवर्ब पढ़ लिया, एडवर्ब की प्रैक्टिस कर ली। खतरनाक है भाई, खतरनाक, जिस तरह से कहते हैं। आपने 150 से 200 एक्टिव पैसिव लगाए, आपने 150 से 200 डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगाए, अगर आपने हमारे टाइम टेबल को फॉलो किया। अगर नहीं फॉलो किया है तो डे वन से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। आपने क्लोज टेस्ट 20 लगा लिए और पैसेज 20 लगा लिए, बहुत बड़ी बात होती है। फ्रेजल वर्ब आपने टर्न का याद किया, फॉल का याद किया, पुट का याद किया, होल्ड का याद किया, हैंग का याद किया, ब्रेक का याद किया, ब्रिंग का याद किया। उसके बाद हमने कुछ फ्रेजल वर्ब बताए थे, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन, हिंज ऑन या अपॉन, ये सब बताया ना। रन अक्रॉस, कम अक्रॉस, रन इनटू, बम्प इनटू, चांस अपॉन, ये सब बताया ना। ढेर सारे फ्रेजल वर्ब, कम से कम आपने 50 फ्रेजल वर्ब याद किए होंगे, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। 3 दिन से हमने एरर इंप्रूवमेंट फिलअप्स देना स्टार्ट किया, तो आपने 45 से 50 एरर के क्वेश्चन लगाए हैं, मिक्स्ड एरर, 45 से 50 इंप्रूवमेंट और 45 से 50 फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन इन 3 दिनों में लगाए। अभी ये 15 दिन तक फॉलो होगा तो कितना खतरनाक जाएगा आप बता नहीं सकते, सोच नहीं सकते, हम तो बता ही सकते हैं, ठीक है। डेली टाइम टेबल में आपको वोकैबुलरी खतरनाक तरीके से पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ लिया, है ना। आगे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन बचा हुआ है भाई, क्वेश्चन टैग बचा हुआ है, यही सब तो बचा है, बाकी खतरनाक प्रैक्टिस कराएंगे। और आप अगर मेरे टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो 102% इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है, 100% नहीं। जीएस आपने क्या क्या पढ़ा, जीएस में पहले हिस्ट्री पे आता हूँ। गर्दा मचा दिया आपने 15 दिन में, क्या आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, आपने बौद्ध धर्म पढ़ लिया, जैन धर्म पढ़ लिया, वैदिक धर्म पढ़ लिया, सिंधु घाटी की सभ्यता का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया, है ना, बौद्ध धर्म पढ़ लिया, बौद्ध रिलीजन, जैन पढ़ लिया, वैदिक पढ़ लिया, महाजनपदास पढ़ लिया, मौर्य मगध डायनेस्टी पढ़ लिया, मौर्य डायनेस्टी पढ़ लिया, गुप्त डायनेस्टी पढ़ लिया, राष्ट्रकूट वंश के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है, मौर्य एम्पायर के बारे में आपने पढ़ लिया, डायनेस्टी मैंने बोल दिया था, राष्ट्रकूट पढ़ लिया, फॉरेन ट्रेवलर्स पढ़ लिए जो उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वैन सॉन्ग कहाँ से आया था, इसकी रचना का क्या नाम है, ये सब। इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख पढ़ लिए, इंस्क्रिप्शंस पढ़ लिए, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना, एरण अभिलेख, हमने एक एक दिया था कि ये पढ़िए और आपने कंप्लीट किया है अगर डे वन फॉलो किया है तो। अब आते हैं हम ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में आपने सोलर सिस्टम पढ़ लिया, पूरा सोलर सिस्टम, उसमें बुध पढ़ लिया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अर्थ पढ़ लिया, वेनस पढ़ लिया, जुपिटर पढ़ लिया, इन सभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए टाइम टेबल देते हैं, है ना, प्लैनेट्स पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन से हैं वो पढ़ लिए, रामसर साइट्स पढ़ लिए, है ना,
ये सारी चीजें, सेंसस जनगणना आपने पढ़ ली, जहां से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ज्योग्राफी के बाद आप पॉलिटी में आपने क्या पढ़ा, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 23, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, आर्टिकल 32 तक पढ़ा आपने। इतने ढेर सारे आर्टिकल पढ़ लिया आपने। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी पढ़ लिया। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूरा पढ़ लिया, कौन से अनुच्छेद में है, कौन से आर्टिकल में है, इनके कार्य क्या है, ये सारी चीजें। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति पढ़ लिया, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ लिया, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ा दी गई, बता दी गई। पार्लियामेंट यानी कि संसद पढ़ लिया, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, लोकसभा पढ़ लिया, अगर पार्लियामेंट पढ़ा तो लोकसभा पढ़ लिया, राज्यसभा पढ़ लिया, ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली। कैग, कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पढ़ लिया, है ना, ये सारी चीजें पढ़ ली। जियोग्राफी में हमने एक चीज दिया था अर्थक्वैक, तो अर्थक्वैक भी आपने कंप्लीट किया है, है ना। अच्छा, और वॉल्केनो भी दिया था ज्योग्राफी में कंप्लीट करने के लिए, ज्वालामुखी। तो ये सारी चीजें कंप्लीट होगी 15 दिन में। कितना पढ़ लिया भाई, साइंस, विटामिन पढ़ लिया, विटामिन ए, B1, B2, B3 से लेकर के B12 तक, BCDE, है ना, के। बैक्टीरियल डिजीज पढ़ लिया, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरल डिजीज पढ़ लिया, विषाणु से होने वाले रोग, फंगल डिजीज पढ़ लिया, फफूंद से होने वाले रोग, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, पाचन तंत्र पढ़ लिया, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, श्वसन तंत्र पढ़ लिया। बायोलॉजी तो एकदम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जा रही है भाई आप लोगों की। जो लोग नहीं पढ़े हैं देख लें, 15 दिन फॉलो करें, 101% इंप्रूवमेंट आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सोलर सिस्टम पढ़ ओ सोलर सिस्टम स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिया, कंकाल तंत्र पढ़ लिया। इकोनॉमिक्स की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12th 5 ईयर प्लान तक, हमने एक एक दिन में दो दो 5 ईयर प्लान दिए थे याद करने के लिए आपको, है ना। ऐसे मेरे टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, हल्के फुल्के तरीके से आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर ले जाएंगे। सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, प्राथमिक सेवा क्षेत्र, द्वितीयक सेवा क्षेत्र और तृतीयक सेवा क्षेत्र पढ़ लिया आपने। कृषि कौन से सेवा क्षेत्र में आता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, कौन से नोट जारी करता है, इनके गवर्नर का क्या नाम है, पहले गवर्नर कौन है, प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, प्रेजेंट टाइम में कौन से में गवर्नर है। जीएसटी के बारे में पढ़ लिया आपने, जीएसटी की शुरुआत कब हुई, है ना, 2017 में हुई थी, तो कब हुई, 1 जुलाई 2017 को हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ लिया। विजय केलकर समिति के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, अगर पढ़ा होगा तो ठीक है। मिसलेनियस में आपने क्या पढ़ा, ये तो एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कौन कौन से बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, सारी लूसेंट में दिए गए हैं। अच्छा, मैं इसके साथ ये भी बताता हूँ कि आप कहाँ से पढ़ें, है ना, ये चीज़ ज़रूरी होती है। लोग बता तो देते हैं कि ये पढ़ लो, लेकिन कहाँ से पढ़ो बताते ही नहीं है। मैं अपनी वीडियो में ये भी बताता हूँ कि आप कहाँ से पढ़ो, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज आपने पढ़ लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के। वाह भाई, मजाक नहीं, मुझे नहीं विश्वास हो रहा है कि आपने इतनी चीज़ें कंप्लीट कर ली। आपको तो विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, मुझे बहुत खुशी है। इंडियाज लार्जेस्ट बिगेस्ट, भारत में सबसे बड़ा, सबसे ये सब पूरा विश्व में सबसे बड़ा, है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया आपने, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ लिया आपने, टूरिस्ट प्लेस पढ़ लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ लिया आपने, WHO के बारे में पढ़ लिया, है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, टूरिस्ट प्लेस पढ़ लिए कि कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए आपने, लूसेंट में सब दिया गया है, पूरा लूसेंट तैयार करवा देंगे मैं, हम बता दे रहे हैं। फेस्टिवल्स आपने तैयार किए, फेयर एंड फेस्टिवल्स इस समय SSC का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं कवर करा रहा हूँ आपको। फेस्टिवल्स, क्लासिकल डांस एंड डांसर्स कंप्लीट कर लिए भाई, मजाक नहीं, एकदम तहलका मचा दिया आपने। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा पता है आपने, करंट अफेयर्स में अब मैं दूसरी तरीके से दूंगा, टाइम टेबल जरूर फॉलो कीजिएगा, मोनोटोनस टाइम टेबल नहीं होगा, उबाऊ बिल्कुल नहीं होगा। आपने मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ ली कम से कम 10, इंडेक्स पढ़ लिए कम से कम 10, अवार्ड्स पढ़ लिए, स्पोर्ट्स पढ़ लिए जिसमें हमने ओपन, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन बताया, है ना, विंबलडन बताया पढ़ने के लिए, डेली करंट अफेयर्स आपको बताया कि यहाँ से पढ़िए, फेयर एंड फेस्टिवल्स के बारे में हमने बता दिया, तो काफ़ी चीज़ें आप लोग कंप्लीट कर लिए। फिर रीजनिंग पे आ जाओ भाई, रीजनिंग में आपने सीरीज के लगभग 150 से 200 क्वेश्चन लगा लिए। कभी आप 15 दिन लगातार बैठ करके, जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है मेरे टाइम टेबल को देखने के बाद, लोगों ने पढ़ाई शुरू की है, ड्रास्टिक चेंज आया एकदम, ठीक है, सीरीज के 150 से 200 क्वेश्चन आपने लगा लिए अगर ईमानदारी से मेरे टाइम टेबल को फॉलो किया है तो। कोडिंग डिकोडिंग के 80 से 100 क्वेश्चन आपने लगाए हैं, ब्लड रिलेशन के 50 से 100 क्वेश्चन लगाए हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन के 50 से 80 क्वेश्चन तक आपने लगाए हैं, रैंकिंग एंड ऑर्डर्स के 50 क्वेश्चन लगाए हैं, क्लासिफिकेशन के आपने 50 क्वेश्चन लगा लिए हैं अगर आपने हमारे 15 दिनों के टाइम टेबल को फॉलो किया तो। सिलोगिज्म के 20 से 30 क्वेश्चन लगाए हैं और वेन डायग्राम के 10 क्वेश्चन लगाए हैं, क्योंकि वेन डायग्राम भी हाल ही में हमने देना स्टार्ट किया है। अब बताओ भाई,
आप अगर 15 दिन में इतना कर सकते हैं तो अगले 15 दिन में आप कितना कर सकते हैं, और उसके अगले 15 दिन में आप कितना कर सकते हैं, और अभी 2.5 महीने बचा हुआ है मेरे भाई। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन अपने आप में पाएंगे। मैं ये नहीं कहता, मैं ईमानदारी से एकदम ऑनेस्ट रिप्लाई आज आपको कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मेरी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि मेरे टाइम टेबल को आप फॉलो करेंगे तो आप में इम्प्रूवमेंट 100 गुना बढ़ जाएगा। आज अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं, मेरे टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद आप 6 से 7 घंटे पढ़ने लगेंगे, ठीक है? आप इतने ढेर सारे क्वेश्चंस तैयार करने लगेंगे और शाम को हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के बताएंगे कि सर हमने इतना कंप्लीट कर लिया, और लोगों को देखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर कि लोग बता रहे हैं कि हमने इतना कंप्लीट कर लिया। इवन सब वीडियो बना करके भेजते हैं कि सर हमने इतना कंप्लीट कर लिया, है ना? बहुत अच्छे तरीके से आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा आएगा आएगा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है? बस इतनी देर की वीडियो में हमने आज एनालिसिस करवाया है। एक बार फिर से बता देते हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर नहीं अच्छी लगे तो अनसब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि वो आपका हक है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, और नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक करना बिल्कुल मत भूलें, है ना? सब्सक्राइब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है ये भी बता दीजिएगा, ठीक है? कौन से प्रीपोजिशन का यूज होता है, ये सारी चीज़ें मैं थोड़े थोड़े एक टास्क देता रहता हूँ। हमने जैसे बताया था लुक टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो हमने बताया था लुक फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद ए व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, ठीक है, एक्स्टम टू, नियर टू, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट टू, शिफ्ट टू, इस तरीके से एक्सेस टू, एक्सेसिबल टू, ढेर सारी चीज़ें मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो। वरना अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के बगल हो जाते हैं तो आप अपने सामने कुआं खाई नहीं, कुआं ही खाई खोद रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, चैलेंज अगर आपको लग रहा है कि 15 डे चैलेंज को आपने पूरा किया है तो आप घर में जाइए, कुछ अच्छा पकवान बना करके खाइए, और बना बनाया खाइए, मम्मी के हाथों का या घर में जो भी सदस्य हो उनके हाथों का, या अपने आप खुद बना करके, और फिर से नए जोश के साथ, नए मोटिवेशन के साथ कि 15 दिन में हमने इतना कंप्लीट कर लिया तो अगले 15 दिन में आप कितने आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे मेरा टाइम टेबल एडवांस लेवल पे पहुंच रहा है ना? डे वन से टाइम टेबल फॉलो करें, एडवांस लेवल पे पहुंचेगा, और एकदम खतरनाक गर्दा मचा दीजिए, गर्दा मचा दीजिए आज जा करके। अब ठीक है, 15 दिन, 15 दिन का ओवरव्यू आपने ले लिया, क्या पढ़ा, अभी 2.5 महीने बाकी हैं, मेरे टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है? जाइए, रील्स मत देखिएगा, वीडियोज, लॉन्ग वीडियोज भले देख लीजिए, रील्स मत देखिए, मैं सारी चीजें बताता हूँ आपको। और लोग लोग कमेंट करके बताते हैं नो रील्स, कोई रील्स आज नहीं देखा, है ना? मैं भी फॉलो कर रहा हूँ आपके साथ साथ, और आपको भी फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ, फॉलो कीजिए आप हमारे टाइम टेबल को। कल डे 16 के बाद डे 17 के टाइम टेबल में आपको कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको। मैंने कुछ अलग सा सोचा है आपके टाइम टेबल में ऐड करने के लिए, आप बने रहें वीडियो में आगे के टाइम टेबल के लिए। थैंक यू सो मच।